रेवाड़ी से एएसआई कम सब इंस्पेक्टर द्वारा 6000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। दरअसल रेवाड़ी के बावल थाने में तैनात एएसआई वीर सिंह को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सुसाइड के मामले में रिश्वत मांगी थी। फिलहाल आरोपी एसीबी टीम की गिरफ्त में है और मामले की जाँच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 25 जून को भरतपुर निवासी 23 वर्षीय बीना ने अपने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जो कि बावल के प्राणपुरा रोड पर किराए के मकान में रहती थी, जिसे मथुरा निवासी मोहन पाल और उसकी पत्नी ने ही किराए पर मकान दिलाया था। उन्हें ही ईएसआई वीर सिंह धमका रहा था कि आत्महत्या मामले में उनका हाथ है, जिसके आधार पर वह झूठे आरोप लगाकर मोहन पाल से 10000 रुपए ऐंठना चाहता था। पीड़ित मोहन पाल ने 7 जुलाई को आरोपी एएसआई को 4000 रुपए दे दिए थे। बाकी रकम देते वक्त एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पूरा मामला ये है कि वीर सिंह जी बावल थाने में तैनात है, ईएसआई है वो, और 25 तारीख को एक महिला बिना नाम की जो सुसाइड कर लिया था उसने, उस एवेज में जो एक अपना जो कंप्लेनेंट है मोहन पाल, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहन पाल भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, मथुरा का। तो उसका मोहन पाल का और उसकी मिसिज का एक कह रहा था योग भी तुम्हारा नाम है इसके अंदर, भाई तुमने किराए पर रखवाई थी और तुम्हारे पास है इनके जो तुम्हारा नाम आ रहा है कंप्लेंट में, तो उसमें केस से निकालने के लिए वो इसने 10000 की डिमांड की थी। 4 तो इसने 7 तारीख को ले लिए थे और 6000 रुपये आज इसने लिए थे, जो हमने रेड हैंडेड इसको पकड़ लिया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी वीर सिंह को रेवाड़ी स्थित कार्यालय लेकर पहुंची है, जिसके खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।